आप देख रहे हैं इन24 टीवी खबर पल पल की। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साइकिल पर दुल्हन लाए डीएसपी साहब, मध्य प्रदेश के पन्ना में सादगी भरी शादी का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर डीएसपी संतोष पटेल की शादी इन दिनों चर्चा में है। सादगी के साथ शादी करने वाले डीएसपी साहब दुल्हन को कार या बस या ट्रेन से लेकर घर नहीं आए, बल्कि साइकिल पर दुल्हनिया को लेकर पहुँचे। साइकिल पर नवेली दुल्हन और दूल्हे की वीडियो जमकर वायरल हो रही है। बड़ा ओहदा मिलने के बाद भी अपनी संस्कृति का और संस्कारों पर कायम रहने वाले निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर एसडीओपी संतोष पटेल ने यह साबित कर दिया कि वह पद प्रतिष्ठा और आधुनिकता की दौड़ में संस्कृत परंपरा और संस्कारों को नहीं भूले हैं। आधुनिकता के दौर में उन्होंने अपनी शादी में परंपराओं का पूरा ध्यान रखा। एसडीओपी ने अपनी शादी में हिंदू संस्कृत की वैवाहिक परंपराओं का पालन किया। इसके तहत उन्होंने सिर पर खजूर के पेड़ के पत्तों का मौर भारतीय परिधान में जहां दूल्हा सजा हुआ था, तो दुल्हन ने भी ठेठ भारतीय सीधे पल्ले की चुनरी पहन रखी थी। दूल्हा दुल्हन को लाने ले जाने में भी मोटर गाड़ी का नहीं, पालकी का ही प्रयोग किया गया। इस अनूठी शादी में लोगों को हजारों वर्ष पुरानी संस्कृत के दर्शन हो रहे थे। आधुनिकता और दिखावे से दूर रही शादी आमतौर पर आजकल शादियों में खासे इंतजाम होते हैं। खूब चकाचौंध और आधुनिकता से लौरेज व्यवस्थाएं, आलीशान होटल, खूब सारी सजावट स्टेटस सिंबल बन गया है। ऐसे में शादियों में लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। आधुनिकता के बीच जो जितना बड़ा आदमी उसका उतना बड़ा इंतजाम होता है, वहीं इन सबके बीच पुरातन संस्कृत कहीं खो सी गई है। ऐसे में अफसरों की शादी के तो क्या कहने, लेकिन बुंदेलखंड के पन्ना जिले में जन्मे निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर एसडीओपी संतोष पटेल की शादी आधुनिकता और दिखावे से एकदम उलट थी। उन्होंने अपने विवाह समारोह में बुंदेली परंपराओं की जीवंत रखा। उनमें बुंदेली दूल्हे की झलक देखने को मिल रही थी। यह दूल्हा आलीशान सेहरा नहीं बल्कि खजूर का मुकुट लगाए हुए था। देखिए पूरा वीडियो। Yeah,